अस्सलाम वालेकुम जी, एशिया कप 2022 की स्पेशल ट्रांसमिशन फुल टॉस में आपको खुशामदीद कहता हूं। क्रिकेट के जो शायकीन हैं, जिस घड़ी का वो इंतजार कर रहे थे, वो लम्हे करीब आ चुके हैं। कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर एशिया कप का आगाज हो जाएगा। अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज मैच खेला जाना है। कुछ ही देर में टॉस होगा और उसके बाद 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। श्रीलंका और अफगानिस्तान की अगर बात करें तो दोनों टीमें जो हैं वो मुतवाजी दिखाई दे रही हैं। उनमें कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो जो सीनियर्स हैं उनमें वो भी मौजूद हैं, जूनियर्स भी मौजूद हैं, कुछ नए खिलाड़ी भी स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए हैं। 15 रुकनी आज की प्लेइंग 11 को जो देखा जाए तो एक मुतवाजी टीम लग यही रहा है कि एक अच्छा मुकाबला क्रिकेट के शायकीन को देखने में मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान जो है पिछले काफी अरसे से वो एक अच्छी क्रिकेट खेल रही है। श्रीलंकन टीम बीच में मुश्किलात का शिकार हमें दिखाई दी, लेकिन हालिया जो उसकी 2-3 सीरीज रही हैं वो अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिली। अच्छे खिलाड़ी जो हैं, स्पिनर्स जो हैं, अच्छे सीमर्स जो हैं, यहां पर चूंकि दुबई में जब भी मैच हो स्पिनर्स का जो किरदार है वो खासा अहमियत का हामिल होता है। तो दोनों टीमों के पास आउटक्लास, जिसे कहते हैं किसी भी टीम को आउटक्लास कर देने वाले स्पिनर्स मौजूद हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो भी बंदा क्रिकेट देखता है, क्रिकेट का जो भी शायक है, वो राशिद खान को जरूर जानता होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जो धाक है वो पूरी दुनिया में बिठाई। वो कहीं भी जाएं, वो जिस स्टेडियम में मौजूद हों, उनकी बात जरूर होती है। वो हर मैच में वो मैन ऑफ द मैच नजर आ रहे होते हैं, चाहे वो अगर बॉलिंग की बात हो, और अब वो बैटिंग भी अच्छी खासी करने लगे। इसी तरह जो श्रीलंकन टीम है वो भी हमें एक अच्छी साइड दिखाई दे रही है। उनके पास भी धनुष जो हैं, उनके कैप्टन, वो सीनियर प्लेयर हैं और उनकी वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। आज बाकायदा तौर पर एशिया कप 2022 जो कि T20 फॉर्मेट में है, आपको मैं बताता चलूं कि ये दूसरी दफा होने लगा है कि जो T20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला जाने लगा है। इसी वजह से जो शायकीन हैं वो भी खासे पुरजोश हैं, क्योंकि T20 जो क्रिकेट है वो खासी जो है T20 क्रिकेट में चौके छक्के और एक हल्ला गुल्ला जो होता है, वो शायकीन क्रिकेट जो हैं वो उससे खूब महसूस होते हैं। तो जिस वक्त का हमें इंतज़ार था वो शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में ही जो टॉस है वो होगा, उसके बाद बाकायदा तौर पर मैच का आगाज हो जाएगा। आज के मैच पर भी हम खुसूसी बात करेंगे, हमारे साथ क्रिकेट के एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, साबिक जो क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तानी टीम के वो भी मौजूद होंगे, उनसे राय लेंगे कि वो कैसे देखते हैं इन दोनों टीमों को। और साथ ही साथ जो कल मैच होने जा रहा है जिस पर पूरे पाकिस्तानियों की नजरें लगी हुई हैं, कल मैच जो होगा उस हवाले से भी हम क्रिकेट के एक्सपर्ट से बात करेंगे, जानेंगे कि कल क्या होने लगा है। और आज खुसूसन चूंकि आज का मैच भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, गो के हमारी जो पाकिस्तानी टीम है वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब हम Super 4 का हिस्सा बनेंगे तो इन टीमों के साथ हमें मैच खेलना पड़ेगा। इसलिए हर मैच टूर्नामेंट का हर मैच ही इंपॉर्टेंट है। हमें देखना होगा कि कौन सी टीम कैसी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है, उसकी जो वीकनेसेस क्या हैं, उसके पास प्लस पॉइंट्स क्या हैं, कौन से खिलाड़ी जो की पॉइंट्स हैं, कौन से खिलाड़ी हैं जो कि इन कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चूंकि कभी भी जो दुबई की, यूए की जो कंडीशंस हैं, हर खिलाड़ी के लिए वो सूदमंद, वो अच्छी साबित नहीं होती। कभी स्पिनर्स जो हैं बॉल ब्रेक करके आ रही होती है, स्लो जो स्पिनर्स हैं, जो स्लो पेसर्स हैं, उनको अच्छा खासा फायदा हमें हमने देखा कि दुबई में जब भी क्रिकेट होती है। तो आज के मैच के हवाले से भी हम क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लेंगे, उनसे जानेंगे कि कौन कौन से वो की प्लेयर्स देख रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अफगानिस्तान की टीम की प्लेइंग 11 और जो श्रीलंकन टीम की प्लेइंग 11 है, उनमें अगर तकाबुली जायजा लिया जाए तो उनकी क्या राय है, कौन सी टीम ऑन पेपर उन्हें अच्छी दिखाई दे रही है, तगड़ी दिखाई दे रही है। आज चूंकि बाकायदा आगाज होगा एशिया कप का, तो जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनका जो इंतजार है वो भी आज खत्म हो जाएगा। कल के मैच के हवाले से जो एक जोशो वलवला है, चूंकि जो लास्ट टाइम हम जब भारत से मद्दे मुकाबिल आए तो हमने बहुत ही तगड़ी क्रिकेट खेली, हमने देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो डोमिनेट हो गए, हमने इंडियन टीम को आउटक्लास
जो है कर दिया था। तो कल के मैच के हवाले से भी, चूंकि हमने पिछला मैच बहुत ही अच्छा खेला, बहुत ही अच्छी जीत हासिल की, तो कल के मैच के हवाले से पाकिस्तानियों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तानी उसी तरह की उम्मीद लगाए हुए हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर डोमिनेट करेगा और आउटक्लास कर देगा भारतीय टीम को। गो के कुछ तजियाकारों का ये कहना है कि भारतीय टीम ऑन पेपर जो है वो तगड़ी दिखाई दे रही है, उनके पास स्पिनर्स भी हैं, उनके पास ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं, उनका मिडल ऑर्डर भी हमसे बेहतर है, तजियाकारों की जानिब से ये कहा जा रहा है। लेकिन मैच वाले दिन जो टीम अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके, जो टीम अपने आप को डोमिनेट करके मैदान में खड़ी होती है, वही टीम जीतती है। ऑन पेपर बहुत सी बातें होती हैं, जैसे वर्ल्ड कप में भी ऑन पेपर कहा जा रहा था कि भारतीय टीम जो है वो हमसे तगड़ी है, लेकिन जिस तरह हमने आउट क्लास किया वर्ल्ड कप T20 में भारत को, तो किसी को इस तरह की परफॉर्मेंस की, इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम को इतनी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। एशिया कप कब से इसका आगाज हुआ, एशिया कप की हिस्ट्री की क्या है, कौन सी टीम कितने जो है एशिया कप जीत चुकी है, इस पर हमने एक खसूसी रिपोर्ट बनाई है, वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान सिर्फ दो बार एशियन चैंपियन बन सका। 1984 को पहला एशिया कप UAE में खेला गया जिसमें भारत ने मैदान मारा और पहला एशियन चैंपियन। 86 में श्रीलंका की टीम ने ट्रॉफी उठाई। 1988, 1990 और 91 और 1995 में खेले जाने वाले तीनों इवेंट्स में 1997 में एक बार फिर श्रीलंका एशियन चैंपियन। 2000 में पाकिस्तान ने पहला टाइटल अपने नाम की। इसके बाद 2004 और 2008 में दोनों बार श्रीलंका ने इवेंट में कामयाबी समेत। 2010 में भारत कामयाब रहा जबकि 2012 में पाकिस्तान दूसरी बार एशियन चैंपियन बना। इसी तरह 2014 में श्रीलंका जबकि 2016 2018 में भारत ने टाइटल अपने नाम किए। एशिया कप की जो हिस्ट्री है उसके हवाले से आपने जाना, जो आखिरी एशिया कप फाइनलिस्ट जो टीम थी वो बांग्लादेश और भारत थी। भारत ने वो मैच सनसनीखेज मैच के साथ जो कप जो है वो अपने नाम किया। इस बार जो उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं, पाकिस्तानी टीम और भारतीय टीम हमेशा ही एशिया कप में जो वो खासी बेहतर पोजीशन में दिखाई देती हैं, हमेशा ही फेवरेट कहा जा रहा होता है इन्हें। चूंकि पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि श्रीलंकन जो टीम थी वो मुश्किलात का शिकार हमें दिखाई दी, जिसके बाद पाकिस्तानी और भारतीय टीम, लेकिन लास्ट जो एशिया कप हुआ जो कि 50-50 एशिया कप था, उसमें बांग्लादेश की जानिब से बहुत अच्छी कैंपेन की गई एशिया कप की और बहुत वो फाइनलिस्ट थे, फाइनल पहुंचे और बहुत सनसनीखेज मैच के बाद बिलाखिर वो आखिरी बॉल पर मैच उनके हाथ से चला गया। तो इस दफ़ा भी पाकिस्तान और जो भारत हैं उनको ही फेवरेट करार दिया जा रहा है टाइटल के लिए। ये देखेंगे कि कौन सी टीम कैसी कैंपेन करती है। इसी से सबसे मुतालिक हम बात करने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तौफीक, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज के मैच से आगाज़ मैं करना चाहूँगा। कंपैरेटिवली अगर आप देखें, ऑन पेपर देखें, तो श्रीलंकन टीम और अफगानिस्तान टीम, किस टीम को बेहतर देख रहे हैं आप? साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ इश्यूज आ गए हैं टेक्निकली, जिस वजह से रابطہ उनसे मुनकता हो गया है। तो आज के मैच के हवाले से मैं अपने एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे ये जानेंगे कि आज के मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है कंडीशंस के हिसाब से, चूंकि ये बहुत ज़रूरी होता है क्रिकेट में, मैदान में मौसम की जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर ऑस पड़ जाए, जैसे कुछ मौसम में नमी हो, तो दूसरी जो बॉलिंग करवानी होती है वो मुश्किल हो जाती है। तो हमारे अगर स्टार पेसर की हम बात करें शाहीन शाह आफरीदी की, उनके जाने की वजह से पाकिस्तान की जो बहुत लॉस हुआ, आज बाबर आजम की जानिब से भी जब गुफ्तगू की गई तो उन्होंने भी कहा कि ये मुश्किल पेश। अफगानिस्तान जानिब से टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया गया है। दुबई में जब भी मैच होते हैं ये फैक्टर हमने देखा कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो मोस्टली जो है वो इसी तरफ जाएगी कि वो फील्डिंग का फैसला करती है। आज भी अफगानिस्तान की जानिब से
कुछ अलग नहीं किया गया, हमेशा की तरह टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया गया है। तो एशिया कप में दो ग्रुप्स बनाए गए हैं, दोनों ग्रुप्स में तीन तीन टीमें हैं, उन टीमों के नाम और उन टीमों के आगाज होने वाला है, तो इसलिए आप भी मैच देखिए, हम भी मैच देखते हैं। कल जो बड़ा टाकरा होने वाला है आपके साथ ही हम मौजूद होंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन फुल टॉस के साथ। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अल्लाह हाफिज़।